छतरपुर पुलिस ने टायर व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि कबाड़ बीनने वाले ने अपने चार अन्य साथियों की मदद से व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 17 लाख के सोने चांदी के आभूषण सहित कैश बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में टायर व्यापारी का परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था और इलाज के लिए इंदौर अस्पताल में भर्ती हुआ था। घर सुनसान होने पर कबाड़ बीनने वालों ने अपने चार अन्य साथियों की मदद से व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना होने पर व्यापारी के रिश्तेदारों ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कबाड़ी के साथ ही तीन चोरों को पकड़कर उनके द्वारा चोरी के जेवरात बेचने पर सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया है। अभी दो चोर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अंतर्गत एक फरियादी ने शिकायत की थी कि जब वो घर के बाहर थे कुछ दिन तो उनके घर के ताले टूटे पड़े थे। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इसमें अपराध पंजीकृत तुरंत कर दिया। इसमें विशेष टीम गठित की गई और सभी के द्वारा प्रयास किया गया कि इसमें पहले तो सूचना संकलन की गई कि जो संभावित चोर पकड़ सकते हैं। इसी के तहत कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनसे लगभग 18 से 20 लाख का माल अभी तक बरामद कर दिया गया। कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर? अभी तक इसमें चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनको न्यायालय पेश कर दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।